क्या देख रहा है भाई? फिर से देख रहा है? सर, मुझसे तो आपने बचा लिया अपना पासवर्ड, बट एक्चुअल अटैकर से कैसे बचाएंगे सर? ये अच्छा सवाल तुमने पूछा। अब इसके लिए तुमको एक कहानी सुनना पड़ेगा, जैसे कि मैं तुमको हर बार सुनाता हूं। तो आओ पहले एक कहानी सुन लेते हैं। दोस्तों, एलिस नाम की लड़की अपने फियांसे बॉब को, जो कि किसी दूसरे शहर में रहता है, एक डायमंड भेजना चाहती है। बट उसे इस बात का डर है कि अगर वो इस डायमंड को अनसिक्योर तरीके से भेजेगी तो कोई उसे चुरा भी सकता है। तो दोस्तों, एक तरीका जो है डायमंड भेजने का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर बॉब और एलिस ने क्या किया था कि बिना एलिस के बॉब से मिले हुए एलिस ने डायमंड सुरक्षित रूप से बॉब को दे दिया। आइए मैं इस पिक्चर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पहले बॉब एलिस को एक बॉक्स में ओपन लॉक भेजता है। दोस्तों, ये ओपन लॉक एक्चुअली एक पुश लॉक की तरह है, जिसको लॉक करने के लिए सिर्फ इसे दबाना पड़ता है। लॉक करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ, खोलने के लिए चाबी की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। दोस्तों, इस लॉक की चाबी सिर्फ और सिर्फ बॉब के पास ही है। बॉक्स मिलने के बाद एलिस इसी बॉक्स में अपने डायमंड को डालकर बॉब के ताले से इसे लॉक कर देती है और इस बॉक्स को वापस बॉब के पास भेज देती है। और बॉब उस ताले को उसके पास ही पड़ी चाबी से खोल लेता है और एलिस के द्वारा भेजे डायमंड को सिक्योरली रिसीव कर लेता है। कहानी तो अच्छी है सर, लेकिन ये कहानी आपके पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करती है? बिल्कुल प्रोटेक्ट कर सकती है शंकर। जानना चाहोगे कैसे? तो पहले समझते हैं जो बैंकिंग पासवर्ड है या कोई भी पासवर्ड है उसका एलिस और बॉब के कहानी से क्या लेना देना है। कुछ ऐसा ही आपके इंटरनेट ट्रांजैक्शन डेटा के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, एक मिनट के लिए ऐसा मान लीजिए कि एलिस आपका कंप्यूटर है, जो इंटरनेट के माध्यम से आपके बैंकिंग पासवर्ड को आपके सैलरी अकाउंट वाले बैंक को भेज रहा है। तो यहां बैंक का सर्वर बॉब हो गया और आपका बैंकिंग पासवर्ड यहां एक डायमंड हो गया। दोस्तों, क्या आपका बैंकिंग पासवर्ड सिक्योर्ड तरीके से बैंक के सर्वर के पास जा रहा है? क्या कोई अटैकर उसे चुरा नहीं सकता? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथ्स कैसे आपके बैंकिंग पासवर्ड को सिक्योर करता है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो कि आपके पासवर्ड को सुरक्षित तरीके से बैंक के सर्वर तक पहुंचा सके, जैसे कि एलिस ने अपना डायमंड सुरक्षित तरीके से बॉब के पास पहुंचाया था। तो आइए जानते हैं ये सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। इस सिक्योर सिस्टम को आज के डेट में हम RSA क्रिप्टो सिस्टम भी कहते हैं। यहां RSA का फुल फॉर्म आता है MIT के तीन महारथियों के नाम से, रॉन रिवेस्ट जहां से R आता है, आदि शामिर जहां से S आता है, एंड लियोनार्ड एडलीमैन जहां से A आता है। रिवेस्ट और शामिर दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और एडलीमैन एक मैथमेटिशियन थे। RSA को पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में रिसीवर, जैसे कि हमारा बॉब था, सेंडर जो कि हमारी एलिस थी, को एक इंक्रिप्शन लॉग भेजता है, जिसे हम पब्लिक की भी कहते हैं। इसे पब्लिक की इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पब्लिक डोमेन में होता है और कोई भी इसे देख सकता है, इंक्लूडिंग द अटैकर्स। जी हाँ, इसे अटैकर भी देख सकते हैं। सेंडर अपने डेटा या मैसेज को इस इंक्रिप्शन लॉक की मदद से इंक्रिप्ट करता है और इस इंक्रिप्टेड मैसेज को रिसीवर के पास भेज देता है। रिसीवर के पास एक प्राइवेट की होती है, जो कि एक सीक्रेट की कही जाती है। यह सीक्रेट की सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास ही होती है, जिसके मदद से वह इंक्रिप्टेड डेटा को अनलॉक कर उस डेटा को पढ़ सकता है। सर, क्या ये लॉक फिजिकल टाइप का लॉक है? थोड़ा डिटेल में बताइए ना सर कि क्या होता है। अरे रुको, जरा सबर करो, मैं इसको तुमको चार सिंपल फेज में बताता हूं कि काम कैसे करता है। दोस्तों, ये चार फेजेस इस प्रकार से हैं। पहला फेज में हम बात करेंगे हाउ इज दिस इंस्क्रिप्शन लॉक क्रिएटेड। तो जिस लॉक की बात हम कर रहे हैं, ये कैसे क्रिएट होता है, उसके बारे में बात करेंगे पहले फेज में। सेकेंड फेज में बात करेंगे हाउ इज डेटा इंक्रिप्टेड यूजिंग दीज इंस्क्रिप्शन लॉक। तो इंक्रिप्शन लॉक का इस्तेमाल करते हुए डेटा को कैसे इंक्रिप्ट किया जाता है, वो हम सेकेंड फेज में समझेंगे।
तीसरे फेज में हम समझेंगे हाउ इज डिक्रिप्शन की क्रिएटेड। तो जिस की से हमें डेटा को वापस से डिक्रिप्ट करना है वो की ही कैसे क्रिएट होती है वो समझेंगे तीसरे फेज में। चौथे फेज में हम बात करेंगे हाउ इज इनक्रिप्टेड डेटा डिक्रिप्टेड यूजिंग द डिक्रिप्शन की। तो जिस की को हम लोगों ने निकाला है उससे हम डेटा को कैसे डिक्रिप्ट करेंगे वो हम समझेंगे चौथे फेज में। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना यहाँ पे हमको दो प्राइम नंबर चाहिए होंगे। तो ये जो प्राइम नंबर है ये कोई भी मामूली दो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ये प्राइम नंबर बहुत बड़े प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब जितना बड़ा लॉक उतनी ज्यादा सेफ्टी। बिल्कुल। तो जैसे हम बात करें 256 बिट इंक्रिप्शन की, तो जो प्राइम नंबर्स हम चूज करेंगे उनमें एटलीस्ट 78 डिजिट्स होने चाहिए, और अगर हम 512 बिट इंक्रिप्शन की बात करें तो उसमें मिनिमम 155 डिजिट्स होने चाहिए। इमेजिन कर सकते हो शंकर, एक दो प्राइम नंबर आप ले रहे हो जिसमें 155 डिजिट्स है मिनिमम, कितने बड़े प्राइम नंबर होंगे। तो ऐसे दो प्राइम नंबर हम लोग लेते हैं पी एन क्यू। सो पी एन क्यू आर टू प्राइम नंबर्स, और ये प्राइम नंबर काफी बड़े होते हैं दोस्त, बहुत बड़े होते हैं। तो स्टेप नंबर वन तो हो गया, प्राइम नंबर दो ले लिए हम लोगों ने। अब स्टेप नंबर टू बहुत सिंपल है, इन दोनों प्राइम नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके हम लोग मानते हैं जो प्रोडक्ट आएगा होगा पी क्यू। तो दोस्तों यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये निकालना काफी आसान होता है, बट इसका उल्टा करना काफी मुश्किल होता है। यही एक बुनियादी ढांचा होता है आपका इंक्रिप्शन में। इंक्रिप्शन में प्रोडक्ट निकालना जितना ही आसान होता है, उस प्रोडक्ट को दो प्राइम नंबर में तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर इंक्रिप्शन। स्टेप नंबर थ्री में हम लोग निकालेंगे ए फंक्शन फाई एन। तो ये फाई एन आप सोच रहे होंगे है क्या? इस फाई एन को हम लोग कहते हैं ऑयलर टोशेंट फंक्शन। जी हाँ, इसको ऑयलर ने दिया था बहुत पहले, द फेमस स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड ऑयलर। सर ये ऑयलर टोशेंट फंक्शन है क्या? आसान सी भाषा में बताऊं तो ये फंक्शन बेसिकली फाइंड्स आउट द नंबर ऑफ नंबर्स लेसर देन एन विच आर को प्राइम्स टू एन। अच्छा सर, को प्राइम का क्या मतलब है फिर? अरे भाई, को प्राइम मतलब कि वो नंबर और ये नंबर एन, जो मान लीजिए कि कोई नंबर है एक्स, वो अगर एन का को प्राइम है तो एक्स और एन के बीच में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा वन को छोड़ के। So, ऐसा कह लो कि द जीसीडी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एक्स एंड एन विल बी वन, तभी एक्स और एन को प्राइम कहे जाते हैं। अच्छा सर, तो ये जो फंक्शन है ऑयलर टोशेंट फंक्शन, ये बेसिकली बहुत सिंपल से फॉर्मूला पे बेस्ड है दोस्त। या इसमें अगर आपको निकालना है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि एन से छोटी है और एन के साथ को प्राइम है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है p माइनस वन क्यू माइनस वन का प्रोडक्ट, जहां p और q वो दो प्राइम नंबर्स थे जिसको प्रोडक्ट करके n बनाया गया था। तो स्टेप नंबर वन में आप देख रहे होंगे हमने बनाया था n को कैसे, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो यही दो प्राइम नंबर्स को आपको इस प्रकार से ऑपरेशन करना है p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, जिससे आपको मिल जाएगा द ऑयलर टोशेंट फंक्शन ऑफ n। तो ये है हमारा सिंपल सा स्टेप नंबर थ्री। तो स्टेप नंबर फोर में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है e जिसका फाई एन के साथ जीसीडी वन हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि भैया ये जो e है वो फाई एन के साथ को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा समझ में आया, यही है स्टेप नंबर फोर। अरे सर, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं शंकर, और देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। हालांकि मैं पी और क्यू को बहुत बड़ा नहीं लूंगा क्योंकि इससे मैथमेटिक्स हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो मैं छोटे छोटे दो प्राइम नंबर ले लूंगा जस्ट फॉर एग्जांपल, ताकि आपको भी समझ में आए और हमारे दर्शकों को भी समझ में आए कि बेसिकली ये पूरा प्रोसेस जो हमारा इंक्रिप्शन लॉक बनाने में जाता है ये एक्चुअल होता कैसे है। तो मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं पी को एक प्राइम नंबर 5 और क्यू को एक प्राइम नंबर 7। ठीक है, तो P और Q हमारे 5 और 7 हो गए। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में इन दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 7 हो गया 35। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? हमें निकालना है
कितने ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो कि 35 से छोटे हैं और 35 के साथ को प्राइम है, मतलब वो 35 और उस नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन और ओनली वन है। तो ऐसे कितने नंबर हैं? तो ऐसे नंबर बेसिकली हमारे होंगे p-1 मतलब 5-1 इंटू q-1 मतलब 7-1, तो ये हो गया आपका 4 × 6 24, तो आपका 5n हो जाएगा 24। अब बिना समय बर्बाद किए एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो कि 24 के साथ को प्राइम हो, तो ऐसा नंबर 11 ले लेते हैं। 11 और 24 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है वन को छोड़ के, तो आइए ही को ले लेते हैं हम लोग 11। तो जो इंक्रिप्शन लॉक की मैं बात कर रहा था वो लॉक फाइनली तैयार हो गया है। तो वो लॉक है क्या? वो लॉक आखिरकार ये है, आप e, n आपका लॉक है। जी हाँ, आप 11 और 35 को एक लॉक की तरह ट्रीट करते हो। ये कोई फिजिकल लॉक नहीं है जिससे आप अपना दुकान बंद करते हो या अपने घर को बंद करते हो, ये डिजिटल लॉक है। यही लॉक रिसीवर सेंडर को भेजता है ताकि वो अपने डेटा को इससे लॉक कर पाए, तो वो समझेंगे हम लोग सेकेंड फेज में। तो आइए दोस्तों इसको जल्दी से समराइज करते हैं। पहुंच गए हैं फेज टू में। फेज टू में हम लोग दिखाएंगे कि ये जो लॉक हम लोगों ने बनाया था ना फेज वन में, इसको कैसे यूज करते हैं डेटा को लॉक करने के लिए, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई मैसेज है, ठीक है, मैसेज का जो कोड है, कोई भी मैसेज को हम लोग कोडिफाई करते हैं बाय यूजिंग ASCII कोड, राइट। ध्यान में रखिएगा कि ये जो ASCII कोड बन के आ रहा है स्मॉल m किसी भी मैसेज का, ये कोड बेसिकली शुड बी लेसर देन द मिनिमम ऑफ पी एंड क्यू। तो याद है जो हम लोगों ने दो प्राइम नंबर लिए थे सबसे पहले, तो जो हमारा मैसेज का ASCII कोड बन के आता है वो मिनिमम ऑफ पी एंड क्यू, जो दोनों में से छोटा है, उससे भी छोटा होना चाहिए। सर ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारा प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है उसमें कुछ कमियां आ जाएंगी जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, तो थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों जब ये m बन जाता है जो कि p और q से कम है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंक्रिप्शन का प्रोसेस चालू करते हैं, मतलब लॉकिंग की प्रक्रिया चालू करते हैं। लॉक तो मिल गया आपको और आपको डेटा को लॉक करना है, तो उस प्रक्रिया को चालू करते हैं। तो चालू कैसे होता है, बहुत सिंपल सा है। उसमें हम लोग m को e के पावर में, जो कि हमारा 11 है यहां पर, उससे चढ़ाते हैं। तो यू रेज e ओवर पावर ऑफ m, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं n से। तो ये ऑपरेटर क्या है, ये है मॉडुलो ऑपरेटर, जिससे आप रिमाइंडर निकालते हो, याद है, आप पाइथन वाइथन में भी कोडिंग करते होगे। तो ये जो नंबर निकल के आता है दोस्तों, ये जो नंबर है इसको हम लोग साइफर्ड मैसेज कहते हैं। साइफर्ड मतलब वो ऑलरेडी इंक्रिप्ट होके आ रहा है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, हमें e मालूम है, हमें n मालूम है, तो हम m को e के पावर पे चढ़ाते हैं, उसको n से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है उसी को हम लोग इनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं या साइफर्ड मैसेज कहते हैं। जैसे मान लो शंकर, हम लोग एग्जांपल के तौर पे 4 को भेज रहे हैं, कोई भी मैसेज है, मान लो हेलो है, हेलो आप किसी को भेज रहे हो या बैंक का पासवर्ड भेज रहे हो, उसका जो ASCII कोड निकल के आता है, मान लो सिंपल, मैं चीजों को सिंपल रखने के लिए मान लेता हूं कि उसका ASCII कोड आता है 4। तो हमारे को करना क्या है, हमारे को उस 4 को रेज करना है टू द पावर ऑफ 11, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है 35 से, और जो रिमाइंडर मिलता है ना, ये रिमाइंडर मैं आपको दिखाता हूं आपके पाइथन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऑनलाइन पाइथन पे और इसको जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां बस एक छोटा सा कमांड लिखना है, प्रिंट 4 to the power 11 मॉडुलो 35, और इस प्रोग्राम को हमको एग्जीक्यूट करना है। यहां पे आप नीचे देख पा रहे होगे 9 निकल के आता है हमारा रिमाइंडर। तो इसका यह मतलब है कि 4 to the power 11 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 9। तो देखा आपने जो रिमाइंडर आया था 9 आता है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये जो मैसेज था आपका 4, सो ये जो मैसेज आपका था m = 4,
ये क्या होगा, ये इनक्रिप्ट होके बन गया 9। अब यही 9 ट्रांसफर होता है, यही 9 ट्रांसफर होता है, तो 4 मैसेज क्या बन के जा रहा था, 9 बन के जा रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको जल्दी से समराइज करते हैं। शंकर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है चाबी बनाने का, जिसको हम लोग प्राइवेट की कहते हैं। तो जो हम लोग भेज रहे हैं वो पब्लिक की था, तो ये जिसको हम लोग लॉक को भेजा, ये लॉक बेसिकली पब्लिक की कहलाती है। अब तुम सोच रहे होगे पब्लिक की क्यों कहलाती है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में चली गई, राइट, इसको अटैकर्स भी देख सकते हैं। पर जो प्राइवेट की होता है, जिसको मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं फेज 3 में, ये ऐसा की है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसीवर को पता होगा, उस रिसीवर के पास ये प्राइवेट की होगा, ताकि वो जो मैसेज उसके पास इनक्रिप्ट होके आ रहा है उसको वो डिसाइफर कर सके। तो ये निकलता कैसे है, तो मान लीजिए जो डिक्रिप्शन की इसको मैं कहूंगा वो है डी, ठीक है, ई और एन तो ऑलरेडी मालूम है। तो हम लोग एक ऐसा नंबर डी फाइंड करते हैं जिसको अगर आप ई से मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर ऑन डिविजन बाय phi n शुड गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 1। जी हाँ, तो एक ऐसा नंबर निकालना है d जिसको अगर आप e से मल्टीप्लाई करो और फाइनली phi n, रिमेंबर phi n क्या था हमारा 24, तो उसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर आना चाहिए 1। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण है, मैं बताऊंगा आपको आखिरी और फोर्थ फेज में। तो अभी मान लीजिए हम लोगों ने ऐसा d निकाला, तो लेट्स फाइंड आउट द d, चलो यहां पर निकालते हैं। सो d इनटू 11, तो 11d कह लो, जिसको अगर आप डिवाइड करोगे 24 से तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है d, तो यहां पे d की वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यूज, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, तो एक वैल्यू मैंने यहां पे लिया है 59। अब आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा नंबर क्यों ले लिया, छोटा नंबर भी ले सकते थे। तो आपका नंबर जितना बड़ा होगा डी का, उतना ही गेस करने में अटैकर्स को दिक्कत आएगी। तो दोस्तों जो हमारा डिक्रिप्शन लॉक होगा, जो हमारा प्राइवेट की होगा, वो हो जाएगा, जो हमारा की होगा वो हो जाएगा डी कॉमा एन, जो कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से हो जाएगा 59.35। तो यहां पर मैं एक बार समराइज कर देता हूं, ये लॉक होगा और ये की होगा, ठीक है। तो लॉक को भेजा जाएगा सेंडर के पास, तो रिसीवर क्या करेगा, सबसे पहले लॉक को सेंडर के पास भेजेगा, सेंडर अपने डेटा जो कि हमारा 4 था उसको इस लॉक से ताला लगाएगा, ताला लगाने के बाद उसको मिलेगा 9, और वो 9 रिसीवर को भेज देगा। तो वो 9 को डिसाइफर करने के लिए एक प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, और यही है वो प्राइवेट की जिससे वो वापस से उस 9 को 4 बनाएगा। तो आइए दोस्तों इसको जल्दी से समराइज करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने शंकर क्या क्या देखा, मैं जल्दी से आपको रिकैप कर देता हूं। अब तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक लॉक बना था, लॉक क्या था 11.35। उसके बाद हम लोगों ने एक मैसेज को, जिसका कोड था 4, उसको हम लोगों ने लॉक किया उस इंक्रिप्शन लॉक से, तो लॉक करने के बाद वो 9 बन गया, 9 ट्रांसफर हो गया तुम्हारा रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास एक की है, की क्या है 59.35। तो रिसीवर क्या करता है, जो मैसेज उसके पास आया 9, ठीक है, इसको वो रेज करता है डी के पावर पे, राइट, काफी बड़ा नंबर है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, और इसको डिवाइड करता है वो 35 से। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा शंकर कि ये जो आंसर रिमाइंडर उसका आएगा, वो रिमाइंडर एक्चुअली 4 बन के आएगा, जो मैसेज उसने भेजा था रिसीवर को वो आपका इस ऑपरेशन से आएगा। यकीन नहीं हो रहा है, तुम कभी यकीन नहीं करते यार मेरे पे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं पाइथन पे। चलिए दोस्तों फिर से इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि 9 to the power 59 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो क्या आपका आंसर 4 आता है, चलिए देखते हैं। प्रिंट,
9 to the power 59, काफी बड़ा नंबर है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। मॉडुलो 35, तो आइए इस कोड को रन करते हैं। यहां पे ये देखिए, रन करने पे 4 आ रहा है जो कि हमारा ओरिजिनल मैसेज था। सर लेकिन कैसे हुआ ये? देखो शंकर, इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करती है एक थ्योरम पे जिसको हम लोग कहते हैं फर्मास ऑयलर थ्योरम। फर्मास ऑयलर थ्योरम क्या है, जिसको ऑयलर थ्योरम भी कभी कभी कहा जाता है, वो बोलता है कि अगर आप कोई भी नंबर एम, ठीक है, इसको रेस करते हैं टू द पावर ऑफ फाइव एन, फाइव एन तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ऑयलर क्वेश्चन फंक्शन, सो दिस विल ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 when divided by n provided या where GCD of m and n is equal to 1। मतलब कि अगर ये नंबर m n का को प्राइम नंबर है और अगर आप इस नंबर को ऑयलर टोशन फंक्शन phi n के पावर से रेस करते हो, तो अगर आप इसको n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि मैंने शंकर के पूछने पे बताया था कि अगर आप m के वैल्यू को प्राइम नंबर p और q के मिनिमम वैल्यू से ज्यादा लोगे तो कैलकुलेशन में एरर आएगी। अब वक्त आ गया कि मैं इसका असल कारण आपको बताऊं। यहाँ पे जो आपने फर्मा ऑयलर थ्योरम देखा वो तभी काम करता है जब m और n को प्राइम्स हो। जी हाँ, तो जो हमारा मैसेज है और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ पी एन क्यू है ये को प्राइम्स होने चाहिए, और ये तभी होगा जब ये मैसेज पी और क्यू के छोटे नंबर से भी कम हो। तो पी और क्यू में जो सबसे छोटा है उससे भी अगर छोटा होगा एम, तभी जाके हमारा एम और एन को प्राइम होगा और तभी जाके ये पूरा का पूरा थ्योरम काम करेगा। यही कहता है फर्मास ऑयलर थ्योरम। अब इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग इस पर्टिकुलर लॉजिक को पता करेंगे कि लॉजिक क्या था इसके पीछे, ये क्यों काम कर रहा है। चलो पता करते हैं। तो शंकर, मैं सबसे पहले ना तुमको एक छोटा सा एक मैथमेटिकल सिंबल दिखाऊंगा जिसको हम लोग मॉडुलर अरिथमेटिक का नाम देते हैं। तो कभी भी किसी नंबर को अगर हम लोग वाई से डिवाइड करते हैं और हमें आंसर मिलता है जेड, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसे भी दिखाते हैं कि x इज congruent टू z modulo y। तो अब तुम सोच रहे होगे कि यार भाई यही काफी था, ये निकालने की क्या जरूरत थी। दोस्तों दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है। दोनों आपको लगेगा कि सेम चीजें हैं बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि यहां पे आपका z रिमाइंडर है जब आप x को y से डिवाइड करते हो, बट यहां पे जब आप ऐसा कुछ स्टेप लिखते हो तो आप कह रहे हो कि जब भी आप x को z से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नंबर मिलेगा ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा y से, सो y विल डिवाइड दिस नंबर। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे z रिमाइंडर है जब आपका x y से डिवाइड होता है, बट यहां पे आप x माइनस z जब करते हो तो वो नंबर y से डिविजिबल होता है। दोनों में यही डिफरेंस है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं 5 इज congruent टू 1 modulo 2, इसका मतलब यह है कि जब आप 5 माइनस 1 करोगे तो वो 2 से डिविजिबल होगा, पर साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि 5 विल बी congruent टू 3 modulo 2 also, है ना। तो जब भी आप 5 माइनस 3 करोगे तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से। तो ये दोस्तों 5, 3, 1 ये आपस में congruent हो जाते हैं। तो अंडर द मॉडुलर ऑपरेशन हम लोग इन तीनों को समान नंबर मानते हैं, क्योंकि इन तीनों नंबर को चाहे 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर सेम ही आने वाला है जो कि 1 होगा। तो मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर्स को हम लोग congruent कहते हैं। दे आर congruent अंडर द ऑपरेशन ऑफ मॉडुलो बाय वाई। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ में आ गया। ठीक है शंकर, अब लॉजिक को समझते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जैसे आपके पास आया वो मैसेज सी, ठीक है, इनक्रिप्ट होके आपके पास मैसेज सी आ गया, जब आप उसको चढ़ाते हो डी के पावर पे, ठीक है, तो ये बेसिकली बन जाता है congruent ऑफ एम टू दी पावर ई, क्योंकि हमारा मैसेज जो था सी वो एम को ई के पावर पे चढ़ा के रिमाइंडर निकाला गया था।
तो ये पूरा का पूरा चीज बन जाता है m टू दी पावर e टू दी पावर ऑफ d, क्योंकि c इटसेल्फ वाज कॉन्ग्रुएंट टू m e, करेक्ट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मॉडुलो मॉडुलो n, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहां पे, तो दिस विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू m टू दी पावर e d मॉडुलो n, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब यहां पे आओ, मैं बताता हूं d कैसे निकला था। D आपने निकाला था by dividing it by phi n, ताकि इसका remainder 1 निकले, है ना। तो D को मैं क्या कह सकता हूं, इट इज k टाइम्स phi n प्लस 1। कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है phi n से और remainder 1 छोड़ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, एनी इंटीजर टाइम्स k, यहां पे एक इंटीजर है, k यहां पे एक इंटीजर है, टाइम्स phi n प्लस 1। तो यही मैं ED के जगह पे रिप्लेस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू m टू दी पावर k phi n प्लस 1, है ना, मॉडुलो n। यहां तक तो समझ भी गए होगे। अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है, इसको मैं लिखूंगा m टू दी पावर ऑफ phi n होल रेस टू दी पावर ऑफ k इंटू m, ठीक है। ये सिंपल सा एक्सपोनेंशियल लॉ है, यहां पे इसको मैंने तोड़ दिया, एंड दिस विल बी बेसिकली डिवाइडेड बाय n। अब देखो यहां पे मैं फोकस करना चाहूंगा तुम्हारा अटेंशन, क्योंकि आपका phi m टू दी पावर phi n व्हेन डिवाइडेड बाय n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। तो इसके ऊपर मैं एक चीज लिखना चाहूंगा कि अगर आपका ये नंबर आप k से रेस कर दोगे ना, तो ये भी 1 ही रिमाइंडर थ्रो करेगा व्हेन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा, तो इसका रिलेशन आप यहां से देख सकते हो। और अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा ना शंकर, तो जानते हो क्या होगा, मॉडुलर अरिथमेटिक के नियम के हिसाब से यहां भी ये 1 m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम m मॉडुलो n, मतलब जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो मैसेज था, वो वही मैसेज था जो कि हमारे सेंडर ने इनक्रिप्ट करके रिसीवर को भेजा था। तो है ना, कितना फन फैक्ट यहां पे। तो मैथ्स की मदद से, मॉडुलर अरिथमेटिक की मदद से आपने जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको डिक्रिप्ट किया, ताकि बीच में अटैकर को मिला ठेंगा। ओह ये, तो आइए दोस्तों इसको जल्दी से समराइज करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी अच्छी जानकारी मिली है आज, कि कैसे मैथमेटिक्स का यूज होता है आपके डेटा को सिक्योरली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पहुंचाने में। तो आगे हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।